धनबाद आईआईटी आईएसएम के सिक्योरिटी गार्ड राजू गिरी की फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले को लेकर परिजन बिहार के गया जिले से धनबाद पहुंचे, जहां आईआईटी आईएसएम की प्रबंधन और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सदर थाना में परिजनों ने प्रदर्शन भी किया है। वहीं मृतक के भाई विकास कुमार गिरी ने बताया कि भाई करीब 15 सालों से आईआईटी आईएसएम में गार्ड के रूप में काम कर रहे थे और संस्थान के रवैये से काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं 30 दिन में मात्र 15 दिन ही ड्यूटी लिया जा रहा था और ड्यूटी का कोई समय भी नहीं तय किया गया था, जिससे कि वो मानसिक तनाव में रहते थे। और साथ ही भाई ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि बिना परिजन को कुछ बताए ही पोस्टमार्टम कर दिया गया। थाना पहुंचे परिजनों ने मांग किया है कि अभी 20 साल उनका नौकरी और था और इसके लिए उनकी पत्नी को आईआईटी आईएसएम की ओर से नियोजन और मुआवजा दिया जाए। आईआईटी आईएसएम में लगभग पिछले 15 साल से यहाँ जॉब कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर यहाँ थे, है ना। अचानक से खबर आया उनकी जो है ना, मतलब फांसी लगा तो उनका शव पाया गया। हमला जो सूचना गार्ड के जो मतलब कर्मचारी के यहाँ से दिया गया, कौन कर्मचारी दिया हमको ना, उनका नाम भी वगैरह पता नहीं है, दे दिया गया ऐसे ही कि आप लोग आइए। आनंद फानन में हम लोग सब जितना फैमिली में मेंबर थे उस समय मौजूद थे गाँव पर, सब ट्रेन पकड़ के तुरंत आए। अभी मामला यह है कि सर कि पोस्टमार्टम जब हम लोग आते हैं तब पोस्टमार्टम में हम लोग फैमिली का किसी भी कोई उसमें कुछ नहीं लिया जाता है। जैसे एक होता है ना कि सिग्नेचर लेके तब पोस्टमार्टम करना, फैमिली से पूछा भी नहीं गया है, अब पोस्टमार्टम कर दिया गया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंबर कलश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। अंबर, देखिए आईआईटी आईएसएम के सिक्योरिटी गार्ड की आत्महत्या के मामले को लेकर परिजन काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने यहां तक कि ये आरोप लगा दिया है पुलिस पर कि बिना उनसे उन्हें कुछ बताए पोस्टमार्टम कर दिया गया। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी अंकिता, देखिए यह जो पूरा घटना है यह पिछले दिनों शुक्रवार अहले सुबह की है। आपको बता दें कि जो राजू गिरी नामक गार्ड है, जो कि एक सुरक्षा एजेंसी है जिसका नाम कमांडो है, उसके अंतर्गत में यह वहां पे आईआईटी आईएसएम में वहां पे सुरक्षा गार्ड के तौर पर वहां पे कार्य कर रहा था। कल अहले सुबह इसके मृत होने की जो सूचना है वो आईआईटी आईएसएम को मिलती है और साथ ही स्थानीय पुलिस को मिलती है। दरअसल यह कई दिनों से काफी परेशान चल रहा था, जिसको लेकर के कल इसने आईआईटी आईएसएम के ही परिसर में जो है जहां पे ये लोग को रहने की व्यवस्था दी गई थी उसी क्वार्टर में इसने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि जो राजू गिरी है यह मूल रूप से रहने वाला गया का है। इसके घर परिवार के लोग जो है गया में थे, शादी से ब्याह इसका हो चुका था, इसके दो बच्चे भी है। 35 वर्षीय जो राजू है उसको जब इस पूरे घटना को लेकर के जानकारी की बात जो है वहां के स्थानीय आईएसएम प्रबंधन से की गई, तो हालांकि मौत का कारण के पीछे वहां पे तो कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज जब उनके परिजन यहां पे मौजूद हुए तो आज वो धनबाद थाना भी वहां पहुंचे, लेकिन धनबाद थाना पहुंचने के बाद उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाया है आईटी प्रबंधक पर भी और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस पर भी। उनका यह कहना है कि इस पूरे घटना के बाद उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मतलब पोस्टमार्टम होने तक की सूचना नहीं दी गई, साथ ही साथ पोस्टमार्टम के पहले जो भी पेपर वर्क होते हैं उनके सिग्नेचर तक नहीं लिया गया और साथ ही साथ मुआवजे को लेकर भी खासा परिजन नाराज दिखे। परिजनों का यह कहना है कि इस पूरे घटना के बाद राजू गिरी ही था जिसके बदौलत पूरा घर परिवार का भरण पोषण हो रहा था, उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पूरे परिवार का भरण पोषण राजू ही कर रहा था और साथ ही साथ उसका जो छोटा भाई है विकास गिरी, उसने यह भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं ड्यूटी को लेकर वह काफी तनाव में था। 1 महीने से लगातार जो है, जो 1 महीने में ड्यूटी देने की बात होती है उसमें कई बार ऐसा हो रहा था कि 10-12 दिन ही उसे ड्यूटी दी जा रही थी, जिससे वो काफी परेशान था क्योंकि पूरे घर का भरण पोषण उसे ही करना था। तो इन्हीं सभी मामलों को लेकर आज पूरे परिवार के परिजन जो है धनबाद थाना पहुंचे, जहां पे उन्होंने अपनी बातों को रखा मीडिया के समक्ष। अब हालांकि क्या कुछ पूरी सच्चाई है इसको लेकर जांच जारी है और देखना होगा कि जो राजू गिरी है उसको क्या कुछ इंसाफ मिलता है, क्योंकि देखिए आईआईटी आईएसएम में जो मामला है पिछले 6-7 महीनों में यह दूसरी घटना ऐसी बड़ी घटना हो गई। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी वहां एक महिला जो है आईएसएम के जो वहां के छत से कूदकर उसने अपने जीवन लीला को समाप्त किया था। तो कहीं ना कहीं आईएसएम की सुरक्षा को लेकर यह काफी चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि यह जो पूरी घटनाक्रम है इसको लेकर क्या कुछ सच्चाई खुलकर के सामने आती है और क्या कुछ कारण रहा जिसको लेकर के पुलिस क्या कुछ सच्चाई लेकर के पूरी सामने आती है और जो राजू गिरी है उसे मुआवजा मिलता है या भी नहीं। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें अमर, तो आपने कहा कि 6-7 महीने पहले भी एक ऐसी घटना आई थी जहां पे एक महिला ने आईआईटी आईएसएम के छत पर जाकर
जाकर आत्महत्या कर ली थी, वहां से छलांग लगाकर। जाहिर सी बात हो, ये दूसरी घटना है 6 से 7 महीने में। तो कहीं ना कहीं आईआईटी आईएसएम के प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरीके से परिजनों की आपने बात की, तो सदर थाना में जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। एक तरफ पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने बिना उनसे कुछ पूछे बिना सिग्नेचर के ही पोस्टमार्टम करा दिया। तो दूसरी तरफ मुआवजा की भी मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो मृतक थे उनकी अभी तक 20 साल की नौकरी बची हुई है, तो उस 20 साल की नौकरी को नियोजन और मुआवजा जो है उनकी वाइफ या उनकी पत्नी को दिया जाए। तो क्या प्रबंधन की ओर से किस तरह की बातें कही गई हैं? ठीक है गीता जी, साफ तौर पे देखिए आपको बता दें कि जो मुआवजे को लेकर बातचीत चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आईआईटी आईएसएम प्रबंधक और साथ ही साथ जो गार्ड एजेंसी है कमांडो नामक जिस एजेंसी के अंतर्गत में यह जो राजूगिरी है कार्य कर रहा था, तो साफ तौर पे यह जो लड़ाई है यह कहीं ना कहीं एजेंसी और संस्थान के बीच का है। कहीं ना कहीं एजेंसी सोच रही है कि यह जो मुआवजा है वो संस्थान दे, और संस्थान सोच रही है कि जब वह आईआईटी आईएसएम की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी गई थी कमांडो नामक, वो उसकी जो है मुआवजे की भरपाई करे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की लड़ाई के बीच में जो है यह जो मुआवजा जो है इसका पेच फंसा हुआ है। और साफ तौर पे हम यह कह सकते हैं कि जो राजूगिरी है जिसको लेकर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लगातार जो है इनका विवाद जो चल रहा था नौकरी को लेकर के, इन्हें कई दिनों से कम समय में दिया जा रहा था नौकरी, जिसको लेकर के आर्थिक तंगी को लेकर वो काफी परेशान था। तो इसी को लेकर के आज जो परिवार के परिजन है वहां जब स्थानीय थाना पहुंचे तो उनकी जो दुख थी वो फूट पड़ी और उन्होंने इन सभी बातों को अपने बातों को रखा। और साफ तौर पर हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो पूरी घटना उसके बाद जो मुआवजा की जिम्मेदारी है जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन भी बता रहा है, और साथ ही साथ लोगों का भी यह कहना है कि इसकी जिम्मेदारी जो एजेंसी है उसी के होनी चाहिए, चूंकि एजेंसी के अंतर्गत रह कर ही वो वहां पे कार्यरत था। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लोग इसमें यह जो है पूरे तौर पे साफ तौर पे आपसी फेंका फेंकी के कारण जो है राजूगिरी नामक जो गार्ड है उसको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। अंकिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि धनबाद के आईआईटी आईएसएम के सिक्योरिटी गार्ड राजूगिरी की फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में कहीं ना कहीं बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ परिजन बिहार के गया जिले से धनबाद पहुंच चुके हैं, जहां आईआईटी आईएसएम के प्रबंधन और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सदर थाना में प्रदर्शन किया। अगर हम पुलिस पर बात करें तो पुलिस पर